मैं खुशी रूप आपका स्वागत करती हूँ हेजी न्यूज में। गाइज, एक शख्स ने एक ही साथ दोनों गर्लफ्रेंड के साथ शादी रचा ली है और बोला है कि मैं दोनों का दिल नहीं तोड़ सकता, और उसी के साथ उसने दहेज भी दिया है। क्या ये पूरा मामला, कहाँ का है ये पूरा मामला, बहुत दिलचस्प है, आपको देखते हुए भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, तो मेरे साथ बने रहिए। पर उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। गाइज, हमारे यहाँ शादियां तो होती रहती हैं, शादियां बहुत ही अच्छी धूमधाम से होती है, कभी कभार लव मैरिज होती है तो कभी कभार अरेंज मैरिज होती है, और उसी के साथ हिंदू धर्म के हिसाब से वैसे तो शादी एक बार ही होती है, अगर एक दूसरे का साथ अच्छा ना लगे तो डिवोर्स हो जाता है। वैसे हिंदू धर्म में तो कभी भी डिवोर्स नहीं होता, क्योंकि वहां पर लिखा ही नहीं गया है कुछ भी ऐसा हिंदू धर्म के ऊपर कि डिवोर्स होना चाहिए। और उसी जगह पर अगर मैं मुस्लिम धर्म की बात करूँ तो मुस्लिम धर्म में एक्चुअली 4 शादियां अलाउ है, पर ऐसे अलाउ नहीं है कि एक बीवी के होते हुए कि वो दूसरी बीवी को शादी कर ले, नहीं। अगर कोई दूसरी लड़की या तो अनाथ है या तो विधवा है या कुछ उसके ऊपर ऐसी विपता है तो ही पति उसे शादी कर सकता है, और पति तभी उसे शादी कर सकता है जब पहली पत्नी की मंजूरी हो, तब अदरवाइज वो भी शादी नहीं कर सकते। तो ये हमारी परंपरा बनी हुई है। तो हमारे सामने एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक बॉयफ्रेंड ने अपनी दोनों गर्लफ्रेंड से एक ही साथ शादी कर लिया एक ही मंडप में। ये मामला हमें इंडोनेशिया से आ रहा है हमारे सामने। वहां पर एक मुस्लिम परिवार के लड़के ने दोनों गर्लफ्रेंड से शादी कर लिया एक ही साथ, और शादी करते के टाइम वहां पर लोकल मीडिया को ये चीज बताई कि मैं दोनों का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए मैं साथ में ही इन दोनों को शादी कर लिया हूँ। और साथ में ही, अगर आप लोगों को दहेज के बारे में पता होगा तो दहेज जब होता है, जब लड़की की शादी होती है तब लड़की वाले लड़के वाले को दहेज देते हैं, और साथ के साथ ही अगर ऐसे सब चीजें और भी कभी कहीं कहीं आपने परंपरा सुनी होगी कि लड़की को साथ जब शादी करते हैं तब लड़के वाले पैसे देते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। जब यहाँ पर उस लड़के ने शादी की दोनों लड़कियों के साथ, तब मंडप में ही दोनों लड़कियों के परिवार को उस लड़के ने 5,000 रुपया दिया। उसका मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट है और वो लड़कियों का ध्यान रख सकता है, इसीलिए ये परंपरा है कि लड़के वाले लड़की वालों को पैसा देते हैं दहेज के रूप में, वो दिखाने के लिए कि हाँ मैं इन लोगों का ध्यान रख सकता हूँ। तो ऐसा ही वहां पर हुआ, और इसकी वीडियो और इनकी फोटो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है, लोग बहुत ही ज्यादा बातें कर रही हैं, बहुत ही ज्यादा शेयर कर रहे हैं, कहीं पे कुछ लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं तो कहीं पे कुछ लोग बहुत ज्यादा बेकार बोल रहे हैं इन लोगों के बारे में। आप क्या बोलना चाहेंगे, एक ही साथ एक ही मंडप में दो लड़कियों के साथ शादी, और दो लड़कियां कुछ भी उनके उनकी जुबान से कुछ भी बाहर ही नहीं निकला, उन्होंने कुछ भी बोला नहीं है, क्या वो खुश हो सकती है? एक ही लड़की एक ही लड़के के साथ शादी करना बहुत ही ज्यादा अच्छा समझते हैं, पर एक ही लड़की दूसरी लड़की के साथ है, ऐसा अपने आप अपने पति को देखे तो कैसा हो सकता है? तो ये तो स्टार्टिंग में ही जलसी वाली भावना आ जाती है ना, तो क्या आपके माइंड में क्या सब चीजें आ रही है, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।